हाय, मैं हूँ निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूँ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाली के केरा झरिया में सामने आया भीषण सड़क हादसा। बाइक और एक्टिवा स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में दो कॉलेज स्टूडेंट लड़कियों की दर्दनाक मौत। बाइक चला रहे शख्स की हालत भी बनी हुई है चिंताजनक। बालको इलाके में नहीं थम रही है चोरी की वारदात। फिर एक मोबाइल दुकान को बनाया गया निशाना। मोबाइल हैंडसेट, पावर चार्जर समेत करीब 30,000 का सामान लेकर हुए फरार। रायगढ़ के जूट मिल में सामने आया हाई वोल्टेज ड्रामा। खुदकुशी की नियत से एक शख्स चढ़ा हाई वोल्टेज खंभे पर। बचाने चढ़े पुलिस के जवानों पर भी किया गया हमला। भारी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। और प्रदेश भर के साथ ही महासमुंद में भी पूजे गए संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास। बड़ी संख्या में सतनाम समाज के लोगों ने की शिरकत। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गुरु घासीदास की 262वीं जयंती। पाली थाना के केरा झरिया गांव में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में स्कूटी पर सवार दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। यह दर्दनाक हादसा करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जब तीन छात्राएं पाली कॉलेज के लिए रवाना हुई थी, तभी केरा झरिया पंचायत भवन के सामने ही विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। ये लगभग सर 1:06 की है और मैं पंचायत पर रहा हूँ, उसके सामने खड़ा हुआ था। अचानक से मेरे को ज़ोरदार आवाज़ आई, पलट के देखा तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ हुआ था और मैं वहाँ से गया घटनास्थल पर और जा के देखा तो ये लड़की लोग गिरे हुए थे। और फिर मैंने 108 को फ़ोन किया। तीन लड़कियाँ थीं और एक लड़का था, और भी वहाँ देखने वाले जमा हो गए थे। अब पक्का तो नहीं बता सकता कि लड़के लोग कितने थे, लेकिन लड़कियाँ तीन थीं। मौके पर कितने लोगों की मौत हो गई? दो लोगों। 108 कितना देर में आए? 108 करीब 20 मिनट में। 112 भी पीछे पीछे। बताएंगे कि घायल जो बच्चे हैं उनको कितना चोट आया है? लड़की को जो चोट आई है उसको एब्रेजन है और लेजेड वुड है दूर सर में, बाकी वो नॉर्मल है। और बच्ची जो है उसको क्लेविकल बोन फ्रैक्चर है लेफ्ट, और बाकी ठीक लग रहा है। दोनों को सुपरविजन के लिए सिम्स भेज दिया गया। आज दिनांक 19/12/18 के दोपहर करीबन 1:10 बजे कुमारी परमेश्वरी अपने हीरो प्लीजर स्कूटी में अपने सहेली कुमारी संध्या को रहे एवं कुमारी रागिनी साहू के साथ बैठकर घर महुआ मड़वा की ओर जा रही थी कि बुड़बुड़ के आगे केरा झिरिया तरफ से सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक CG12AP3267 का चालक चंद्रशेखर घायल हो गया, जिसे सीएससी पाली में इलाज हेतु भिजवाया गया। प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को भूपेश बघेल के शपथ लेने के बाद से ही अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के गठन को लेकर टिकी हुई है। 22 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों के नाम घोषित किए जाने हैं। इसको लेकर बस्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की निगाहें अपने इलाके के नेताओं पर है। बस्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को राज्य में मंत्री पद मिलने की मांग शुरू कर दी है। 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नजरिए से अपने चहेते नेताओं को मंत्री पद के लिए काबिल मानते हैं। वहीं बस्तर की जनता भी तजुर्बे और वरिष्ठता के हिसाब से बस्तर के 4 भावी विधायकों लखेश्वर बघेल, रेखचंद जैन, कवासी लखमा व दीपक बैज को मंत्रिमंडल में शामिल करने योग्य मान रहे हैं।
बस्तर वासियों का कहना है कि कोटा से पांचवी बार लगातार विधायक बने कवासी लखमा का दावा सबसे मजबूत है, ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। उसके साथ जनरल सीट भी है, जगदलपुर की सीट है, विकास के नाम से रेखचंद जैन अभी जो है फिलहाल जगदलपुर विधायक, उनका वैसे बहुत अच्छा चांस भी है, पढ़े लिखे भी हैं, जानकारी भी है उनको इसके बारे में, तो मेरे हिसाब से तो अभी जो है रेखचंद जी जैन को अभी मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। बाकी तो पुराने वैसे भी हैं 3-4, लेकिन कैंडिडेट देखते हुए वैसे बस्तर का विकास और जगदलपुर का विकास करना है तो रेखचंद जैन सबसे ज़्यादा उचित है। शिक्षा मंत्री के लिए तो अब जैसे उनको उचित लगेगा वैसे इनको शिक्षा मंत्री में भी ले तो भी विकास के नाम से अभी फिलहाल तो जो है रेखचंद जी का ज़्यादा अच्छा है, और शिक्षा मंत्री के हिसाब से अगर बस्तर का देते हैं वो जैसा भी है तो फिर आगे विचार उनका मंत्रिमंडल का है। मेरी यह इच्छा है और अपेक्षा है कि ये बस्तर को महत्व देते हुए कम से कम 2 विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें। मैं ये भी जानता हूँ कि मंत्रिमंडल में 12 से ज़्यादा मंत्रिमंडल शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी चूँकि भाजपा सरकार में भी 2 मंत्री बस्तर से लिए गए थे तो कांग्रेस सरकार से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वे बस्तर से कम 2 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग देते हुए उन्हें शामिल करें, जिससे बस्तर के विकास को गति मिल सके। देखिए, इस बार जो जनता ने वोट दिया है, खासकर बस्तर की जनता ने जो वोट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ बस्तर के विकास को देखकर ही वोट दिया है। बस्तर से बहुत उम्मीदें वो रखे हैं। पिछली बार भी जब बस्तर में भाजपा की सरकारें थी, यह सरकार जो 3 बार चुनी गई थी, उन लोगों ने बीजापुर से एक मंत्री बनाया था और नारायणपुर से एक मंत्री बनाया था, लेकिन बस्तर की अपेक्षा हो गई थी। बस्तर की उपेक्षा होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो 3 जिले पड़ते हैं बस्तर जिले में, एक जगदलपुर जिसमें विधानसभा आता है, एक चित्रकूट विधानसभा आता है और एक बस्तर विधानसभा आता है, वहाँ के लोग जो सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रहे थे वो थे मेडिकल की व्यवस्था। हालांकि यहाँ पे पिछली सरकार ने बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, लेकिन आज भी डॉक्टरों की कमी की वजह से ये अस्पताल सिर्फ एक ढांचा बहुत तैयार हो गया, लेकिन इसमें इलाज के नाम पर आज भी लोग विशाखापट्टनम और रायपुर जाने को मजबूर होते हैं। अगर जगदलपुर शहर के विधायक को अगर मंत्री बनाया जाता है तो ज़रूर इससे ये फ़ायदा होगा कि 4 जिलों को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, जिसमें आप बीजापुर जिला को ले लीजिए, दंतेवाड़ा जिला को ले लीजिए, कोंडागांव जिला को ले लीजिए और जगदलपुर जिला। देखिए, बस्तर का जो विकास अधूरा है और विकास के उद्देश्य से बस्तर की जनता ने जो बढ़ चढ़ के वोट दिया और हमारे प्रत्याशियों को जिताया है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे बस्तर में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री और लाभ के पद मिले, ताकि यहाँ का विकास अच्छे से हो सके, यहाँ की जनता जो चाह रही है उनके मनोकामना पूरी हो सके। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भाजपा के पूर्व विधायकों ने सरकारी विधायक कार्यालय को खाली करने का काम शुरू कर दिया है। जगदलपुर भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफना अपने कार्यालय खाली किए, लेकिन इस दौरान एक वाकया देखने को मिला जहां कार्यालय परिसर के अंदर ही कई दस्तावेज जलाए जा रहे थे। हालांकि इन दस्तावेजों में क्या है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक संतोष बाफना के निर्देश पर ही परिसर के अंदर इन दस्तावेजों को जलाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान विधायक कार्यालय में मौजूद कुछ लोगों ने मीडिया को अंदर जाने से भी रोका। वहीं भाजपा के झंडे भी बेतरतीब तरीके से पड़े हुए दिखाई दिए। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को जांच का विषय बताया है। बीजेपी का शासनकाल खत्म हो गया है, कि सरकारी निवास में अगर दस्तावेज जलाते पाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो सरकारी दस्तावेज हैं, आम जनता से संबंध रखने वाले या प्रशासन से संबंध रखने वाले दस्तावेज हैं। और इससे ये साबित होता है कि जो कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के और दुनिया भर के काले पीले करने के जो आरोप लगाए थे वो सही है। और ये आप लोगों की ये रिपोर्ट इस चीज़ को वीडियो बता रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक निवास के अंदर दस्तावेज जलाए जा रहे हैं, उसकी तो बिल्कुल जांच होगी और होना चाहिए। और ये विधायक जी अपने आप को तो कहते थे ना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत बड़ा विकास पुरुष हूँ, तो साबित हो रहा है। और आप देखिए, आपके वीडियो के अंदर दिख रहा है कि भाजपा के झंडों की वहाँ क्या स्थिति है। तो आज ये लोग ये सिर्फ पार्टी के आड़ में लगता है इन्होंने अपना काम किया, जनता का बस्तर का कोई विकास नहीं किया। और अब इनकी पूरी जाँच होगी, बिल्कुल जाँच होगी, हमारे संज्ञान में आप लोगों ने लाया है। अब ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा विधायक जी ने किस तरीके के दस्तावेज वहाँ पे रखे थे। ये बेहतर ज़्यादा तो विधायक जी बता सकते हैं, उनसे भी ये सवाल जरूर किया जाना चाहिए कि आप ये जो दस्तावेज जला रहे हैं
क्योंकि ये संतोष बाबना जी का निजी निवास के दस्तावेज नहीं है, ये उनके सरकारी निवास के दस्तावेज हैं, जो निवास उनको आज खाली करना पड़ेगा ये उसके दस्तावेज हैं। जिसको वो जला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के संज्ञान में ला के जलाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बहुत गलत काम किया जा रहा है, इसकी बराबर जाँच होगी। तीन दिवसीय चलने वाले 40वें विराट श्री श्याम महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम में आयोजित 18 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 4 बजे स्थानीय सुभाष चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से श्याम प्रभु की शोभा यात्रा एवं निशान यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा का नगर में भक्तों ने जगह जगह पूजा अर्चना प्रसाद व शानदार आतिशबाजी के साथ अलग अलग भाव से स्वागत किया गया। सुबह की खासियत यह रही कि पिछले 39 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर श्री श्याम प्रभु की शोभा यात्रा व निशान यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी विशाल ऐतिहासिक रूप में थी, जिसमें खासकर महिलाओं एवं पुरुष भक्तों ने अपने श्याम नाम की मेहंदी रची हाथों से काफी संख्या में भाग लेकर 1101 से भी ज्यादा श्री श्याम निशान मंदिर जाकर श्री श्याम प्रभु को अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी की। तीन राज्यों की पुलिस सीमा क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों को खदेड़ने संयुक्त रूप से अभियान चला रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश पुलिस माओवादियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। इससे माओवादी गिर गए हैं। उनकी छटपटाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार वे ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतार रहे हैं। इसके अलावा विकास कार्यों में लगे वाहनों को भी निशाना बना रहे हैं। पुलिस जब क्षेत्रों में सर्चिंग तेज करती है तो माओवादी जंगल के अंदरूनी रास्ते का फायदा उठाकर सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन अब वहां की पुलिस भी सीमा में घुसकर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में माओवादी फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को अब तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। पूरे प्रदेश के साथ ही बालको में भी सतनाम समाज के प्रवर्तक और संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की 262वीं जन्म जयंती समाज के लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सतनाम समाज के लोग और आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले पवित्र जैतखम की पूजा अर्चना की गई और फिर पालायान श्वेत ध्वजा जैतखम पर चढ़ाया गया। समाज के लोग लगातार गुरु घासीदास के जय जयकार के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम कितने दिन का होता है? ये कार्यक्रम कितने दिन का रखा जाता है? 2 दिन का होता है, 17 और 18 दिसंबर को। पूरे महासमुंद जिले में बड़े ही धूमधाम से एवं हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई गई एवं बाबा जी की जयंती पर रात्रि में प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। 18 दिसंबर को संत गुरु घासीदास बाबा के दिवस को हर जगह गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इस पर्व पर जैतखाम की पूजा अर्चना की जाती है एवं हर जैतखाम पर श्वेत रंग का झंडा भी लगाया जाता है, जो कि शांति को दर्शाता है। यह धर्म सत्य एवं सतनाम धर्म कहा जाता है। हम लोग ये जो 18 दिसंबर मानने के लिए हम लोग साल भर का इंतजार करते हैं, और हम लोग जब 18 दिसंबर मानने के लिए आते हैं अपने बाबा का, तो हम लोग हर्ष उल्लास से अपना 18 दिसंबर का जयंती मनाते हैं। हर
क्षेत्र में जितना सतनामी समाज का जहाँ भी भाई लोग हैं वहाँ हम लोग 18 दिसंबर का उपलक्ष्य में झंडा चढ़ाते हैं, बाबा का प्रसाद वितरण करते हैं और नाच गान करते हैं। ये परम पूज्य गुरु घासीदास के बाबा पर इस पावन पर आज 262 वर्ष से इनकी सत्यता गिरौदपुरी भंडारपुर इनके जो सत्यता है इसके अवसर पर इनकी जो सच्चाई है, इनकी जो छुआछूत किसी प्रकार की गौ मांस या मदिरा मांस मदिरा इस प्रकार से हटाने के लिए ये और सभी मानव को एक समान भाई भाई एक समान इस प्रकार की भाईचारा बनाते हुए परम पूज्य घासीदास ने अपने संदेश भेजा है। इसीलिए हम जागरूक होकर हम सभी समाज ऑल इंडिया के जागरूक होकर हम इस समाज को संदेश देते हुए हम पहुंचा रहे हैं 18 दिसंबर को अमर कर। और ये 18 दिसंबर जो कार्यक्रम होता है उनके बाबा गुरु घासीदास की जयंती है गिरौदपुरी की, और इसके अवसर पर ये 18 दिसंबर हर जगह पर दिल्ली से लेकर ऑल इंडिया पर यह 18 दिसंबर मनाया जाता है। सतनामी समाज के गुरु घासीदास जी की 262वीं जयंती 18 दिसंबर को रायगढ़ में भी धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में समाज के लोगों द्वारा सतनाम संदेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा रायगढ़ के हृदय स्थल रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों से होकर इसका समापन मिट्ठू मुड़ा स्थित जैतखाम पर हुआ। आज हमारे संत गुरु घासीदास बाबा जी की 262वीं जयंती हम लोग रायगढ़ सतनामी समाज मना रही है, और उसके उपलक्ष्य में सतनाम संदेश यात्रा जो है पूरे शहर में रामलीला मैदान से निकल करके शहर के मुख्य मार्ग होते हुए सतनाम भवन मिट्ठू मुड़ा हीरानगर में हमारी समापन होगी। उसके अलावा और क्या कार्यक्रम है? इसके बाद हमारा जो है पंथी का कार्यक्रम है सर, और जगह जगह हमारे जितने भी जैतखाम हैं, जितने भी हमारे समाज के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं उस जगह में हर जगह में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रोग्राम हैं, जिसमें जो हमारा पंथी नृत्य सबसे ज़्यादा अहम नृत्य है वो, और हमारे जगहों में जैसे शेखरगिरी जी का कार्यक्रम है और जो बाहर से आए हुए हैं उन सभी का कार्यक्रम सभी जगहों में आयोजित है। ये सतनामी समाज के कार्यक्रम है गुरु घासीदास जयंती, और हमारे समाज पूरा एकजुट होकर इसको एक जगह मना रहे हैं। हमारे सतनामी समाज में हर जगह गुरु घासीदास जैतखाम बना हुआ है, वहाँ पर हम शाम को झंडा चढ़ाते हैं और इस शोभा यात्रा को भव्य रूप से पूरा सतनामी समाज एक होकर मनाते हैं, जो अभी ये रामलीला मैदान से निकलकर मिट्ठू मुड़ा में समापन होगा शाम को। रायगढ़ में सावित्री नगर के लोगों की जान उस समय सांसत में फंस गई जब खुदकुशी के इरादे से एक युवक हाई वोल्टेज तारों के खंभे में चढ़ गया। उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर प्रत्यक्षदर्शियों के होश उड़ गए। इस बीच किसी ने इस पूरे घटना की जानकारी जूट मिल चौकी में दे दी। बिना समय बर्बाद किए चौकी से जवान मौके पर पहुंच गए, साथ में दमकल विभाग भी मौजूद था। इसके बाद पुलिस के जवानों ने जो जाबाजी दिखाई वो काबिले तारीफ थी। अपनी जान की परवाह किए बिना जवान दमकल के जरिए खंभे में चढ़ गए और युवक की जान बचाने की पुरजोर कोशिश करने लगे। इसी बीच पोल में चढ़ा युवक आक्रामक हो गया और उसने जवानों पर हमला भी किया, लेकिन जवानों के जोश जिद्द और ड्यूटी के प्रति समर्पण के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार जवानों की अथक मेहनत ने सिरफिरे युवक की जान बचा ली। फिलहाल युवक को जूटमिल चौकी में रखा गया है और पूछताछ की जा रही है। तो कंट्रोल रूम से सूचना मिला कि एक व्यक्ति बिजली खंभा सावित्री नगर के पास बिजली खंभा में चढ़ गया है, कल बताया। तत्काल बिजली ऑफिस जाकर के बिजली ऑफिस वालों को सूचना दिए, वहाँ पेट्रोलिंग पार्टी बिजली ऑफिस वाले तत्काल मौके पर पहुँच कर लाइट वगैरह को बंद कर दिए हैं। अभी लाइट नहीं है खंभे में, तो वहाँ के देखे मौके पर आके देखे तो बिजली खंभे में चढ़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है व्यक्ति की। इसका दिमाग की हालत थोड़ा ठीक नहीं है लग रहा है, अभी उतर नहीं रहा है। नगर निगम लाइट बनाने वालों को भी खबर कर दिए हैं, वो आ रहे हैं बताए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, सुबह 8 से 9 के करीब सूचना मिली थी कि सावित्री नगर के हाई टेंशन खंभे में एक व्यक्ति चढ़ गया है। जिस सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और तत्परता दिखाते हुए बिजली विभाग को सूचना देकर करंट को बंद कराया गया,
विद्युत सप्लाई को बंद कराया गया और व्यक्ति को उतारने का काफ़ी प्रयास किया गया, किंतु जो व्यक्ति है वो उतरने को तैयार नहीं था। पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए और उस व्यक्ति की जान बताने के उद्देश्य से चौकी के जो स्टाफ है जिन्होंने बहुत बहादुरी से दिखाते हुए जो थाना स्टाफ है मुकेश डहरू राम एंड शैलेंद्र पैकरा है, इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए खंभे में चढ़कर उसको पकड़कर सुरक्षित नीचे उतारा गया और उतारने के पश्चात उसको केजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंदिर और मकानों के बाद चोरों ने बालको इलाके में एक मोबाइल दुकान में धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर महंगे मोबाइल हैंडसेट, पावर चार्जर और दूसरे डिवाइस समेत करीब 30,000 के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकान संचालक ने इसकी शिकायत बालको पुलिस से की है। मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे पुलिस को कोई खास सुराग तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दुकान है, मैं घर में था तो मेरे सुबह फोन आया कि बगल वाले का अगर की दुकान में आपके साथ खुला हुआ गेट, तो मैं तो ताला लगा के गया था रात को, तो मैं देखा तो दुकान मेरा चोरी हो चुका था। कुछ पता चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं, चलने में नहीं पता चल रहा है शायद। इसकी सूचना तत्काल किसको दी है आप? मैंने थाना में जाके वो मुंशी जी को दिया, वहाँ पे थाना में। जगदलपुर भानपुरी ग्राम आमाबाल में रहने वाले महेश बघेल को पुलिस ने नाबालिग युवती को अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश बघेल अपने ही गांव में रहने वाली नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, फिर कुछ दिन बाद गांव में छोड़कर फरार हो गया। मामले की शिकायत पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी महेश बघेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश कर धारा 363 के तहत जेल भेज दिया गया। कोरिया जिले के बंजारी डांड में एक मामला सामने आया है, जहां एक बच्चे का सिर रोजाना बढ़ता हुआ देखा गया है। गांव वालों के अनुसार बच्चे का जन्म नॉर्मल हुआ था, फिर धीरे धीरे एक माह बाद बच्चे का सिर अपने आप बढ़ने लगा। जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो बच्चे की मां अपने बच्चे को अपने मायके बंजारी डांड ले आई और उसको लेकर डॉक्टर के पास गई, जहाँ डॉक्टर ने सामान्य जाँच कर उसे घर भेज दिया। बच्चे की तबीयत फिर से खराब होने से बच्चे की मां ने उसे जिला अस्पताल बैकुंठपुर ले गई, जहां डॉक्टर ने अपने यहां के आंगनबाड़ी जन्म प्रमाणित कर लाने को कहा और कहा बच्चे की स्थिति की जांच करने के लिए रायपुर जिला अस्पताल भेजने को कहा। वहीं खड़गवा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि बच्चे का सिर सामान्य से ज्यादा है। उनके अनुसार यह हाइड्रोकैप्लस है, जो कुछ बच्चों में होता है। इसके होने पर सिर सामान्य से ज्यादा बड़ा होता है। बच्चा मेरे केंद्र में आया तो कुपोषित था सर, फिर धीरे धीरे उसका मुंडी बड़ा होने लगा। कब से हो रहा है? ए, बच्चा के जन्म के एक महीना बाद से। अच्छा, तो मतलब बच्चा की माँ जो है ये कहाँ की रहने वाली है? ये बंजारी नाड़ की है। और शादी कहाँ हुआ था? किरवाही। कौन से जिले में? सूरजपुर। एक्चुअल में जो आप वीडियो दिखा रहे हैं उसको देखते हुए तो हाइड्रोकैप्लस बोला जाता है, मतलब सिर जो है बच्चे का सिर नॉर्मल से बड़ा होता है, उसको हाइड्रोकैप्लस बोला जाता है। किन कारणों से होता है सर ये? सर ये तो कभी कभी पैदाइशी होता है, कभी कभी पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद ऐसा होता है। ये तो कारण तो जेनेटिक, उसको जांच करने पर ही बता पाएंगे एक्चुअल में। लेकिन हाइड्रोकैप्लस करके एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है, जिसमें बच्चे का सिर बड़ा होता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN 24 के साथ। INN 24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.